आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में उनके निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की। नई दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय आवास और शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी तथा केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रीगणों से मुलाकात कर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने रेल नेटवर्क की आवश्यकता पर श्री अश्विनी वैष्णव से बात की, जिन्होंने प्रदेश के सभी प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। आईटी क्षेत्र के विस्तार और निवेश के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन पर चर्चा हुई, जिससे युवाओं को लाभ होगा। सीपीए प्रोजेक्ट के संबंध में माननीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात की गई और इस प्रोजेक्ट के लिए धनराशि की उपलब्धता पर सहमति प्राप्त की गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से उत्तर प्रदेश से सटे क्षेत्रों में डिफेंस इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। इन सभी मुलाकातों में माननीय केंद्रीय मंत्रीगणों ने प्रदेश की योजनाओं की सराहना की और सभी परियोजनाओं में मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश उत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने यहां प्रदेश के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, जनजातीय विरासत, पर्यटन, कला, रहन सहन एवं विविध व्यंजन इत्यादि की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देश के दिल मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों से दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों के लोगों को परिचित कराने के लिए देश की राजधानी में 4 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का अनूठा आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रवृत्ति पर दिल्ली में रहकर अध्ययन कर रहे छात्रों ने मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में भेंट की एवं सरकार की योजनाओं का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक जीतने और इसी स्पर्धा में मोना अग्रवाल को कांस्य पदक जीतने और महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला धावक प्रीति पाल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी ये उपलब्धि खेल की नई प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा पुरुष में भारतीय निशानेबाज मनीष नरवल जी को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा में अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को समुचित चिकित्सा एवं शिक्षा व्यवस्था देना हमारी प्राथमिकता है। शासकीय व निजी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से रीवा एवं विंध्य के लोगों को उत्तम चिकित्सा सुविधा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आज झाबुआ जिले के ग्राम पंचायत बलोला अंतर्गत ग्राम मातासुला बरिया में नव निर्मित श्री कृष्ण गौशाला का शुभारंभ किया। साथ ही गौशाला परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने आज प्रगति मैदान नई दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। साथ ही स्पोर्ट इंडिया प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।